साथ आयुषी शर्मा, हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। आम आदमी पार्टी बुरहानपुर की महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा संतोष दीक्षित के नेतृत्व में बुरहानपुर शहर में आम जनता के बीच जाकर हस्ताक्षर अभियान के मार्फत आम जनता को जागरूक करने हेतु एवं उनके संज्ञान में लाने हेतु, जिसमें आम जनता, किसान, व्यापारी, अम्माल, तोलाबटी और ठेले वाले सभी वर्गों के बीच जाकर केंद्र की मोदी सरकार एवं राज्य की शिवराज सरकार द्वारा लगातार महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, आम जनता पर टैक्स लगाते जा रहे हैं, उस पर भी गैस, डीजल, पेट्रोल, दवाइयां, कृषि उपकरणों पर लगने वाले रोजमर्रा की चीज़ों पर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। उसके सामने रोजी रोटी के संकट खड़े हो गए हैं। घर की महिलाएं गैस जलाएं या न जलाएं, नौकरी पर जाने वाला मांगे पेट्रोल के कारण दोपहिया वाहन चलाए या ना चलाए, बीमारी आदमी मांगी दवाई खाने से तरस गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने सत्ता में आने के पहले सभी के विकास की बातें की, लेकिन हिंदुस्तान की आम जनता आपके द्वारा भरे गए महंगाई से परेशान है, हैरान है। हमने वोट देकर हमें ठग लिया, भाजपा की कटनी करनी में अंतर आ गया। महंगाई के कारण मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे ज़्यादा परेशानी, क्योंकि उसे ना सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, कितनी तनख्वाह मिलती है कि वह अपना गुजर बसर कर सके। इस अवसर पर उनके साथ पार्टी के उपाध्यक्ष श्रीमती नीतू मिश्रा, सह सचिव मधु मैडम, संगठन मंत्री सुश्री रजिया अंसारी, पार्टी के उपाध्यक्ष हेमलता पवार, विजया पवार, संगीता ठाकुर, जीजाबाई सोनवाने, सलाका राठौड़, युवराज सोनवाने, अनामिका सह एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्रीमती प्रतिभा संतोष दीक्षित, आज आपको एक वीडियो संदेश देना चाहूंगी कि जब से मोदी जी आए हैं तो उन्होंने बोला था कि सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने सभी का साथ तो पा लिया और विकास के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया। पेट्रोल जो आज आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर चला गया, पेट्रोल देखिए, डीजल भी 100 रुपये से ऊपर हो गया है, सिलेंडर देखिए, महिलाओं को, एक तो सभी को, महिला पुरुष सभी को कोरोना ने मार दिया, क्योंकि उनके रोजगार धंधे बंद हो गए। अभी जो ठेले वगैरह चलाते थे उनको भी कुछ भी रोजगार नहीं है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने औषधियाँ, दवाइयाँ जो हैं, दवाइयों के रेट बढ़ा दिए, तो हर तरफ पेट्रोल है, दवाई है, ऐसे रोजमर्रा की चीज़ें जो उन्होंने बढ़ा दिए पैसे। उन्होंने बोला था झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चला जाऊँगा। तो इस प्रकार के उन्होंने जुमले तो बहुत बोले, परंतु किसी के ऊपर भी अमल नहीं किया। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आम आदमी पार्टी हस्ताक्षर अभियान चला रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हस्ताक्षर करिए और ये राज्यपाल महोदय के पास जाएगा। तो मेरा ये निवेदन है कि महंगाई के खिलाफ जब तक सब आवाज़ नहीं उठाएंगे जब तक जो है महंगाई कम नहीं होगी। और मेरा ये निवेदन भी है प्रधानमंत्री जी से कि जो महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसको कम किया जाए। पेट्रोल का तो हर एक हफ्ते के बाद में पेट्रोल जो है उसके रेट बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।